Good morning, students. So again, we are here to work out on canva.com. आप अपने ब्राउजर में canva.com डालेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा. इसमें ऑप्शन मिलते हैं आपको लॉग इन थ्रू द गूगल, फेसबुक और थ्रू द ईमेल. मैं अपने ईमेल के थ्रू इसमें लॉग इन करूँगी. सो आई हैव क्लिक्ड इट एंड नाउ आई एम गोइंग टू लॉग इन. यस, लॉग इन करने के बाद आपको इंटरफेस ये दिखाई देगा. यहाँ मेरा अकाउंट सेटअप हो गया है, ये सेटिंग्स है एंड दिस इज और ही परमिट्स मी टू डू डिजाइनिंग. सो यहाँ बहुत सारे पैम्पलेट्स हैं, कोई भी पैम्पलेट आप इसमें चूज कर सकते हैं. प्रेजेंटेशन, फ्लायर, इंफोग्राफिक्स, ब्रोशर, न्यूज़लेटर, लोगो, कार्ड्स, व्हाटएवर यू कैन डू, यू कैन चूज एनीथिंग फ्रॉम हियर. ओके, सो नाउ अगेन आई एम गोइंग टू दिस फॉर द पैम्पलेट्स. Yes, I am coming here. I am coming for the presentation. मैंने इसको क्लिक किया. क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ बहुत सारे पैम्पलेट्स आपको प्रेजेंटेशन के फ्री दिखाई देंगे. यू विल फाइंड सो मैनी ऑप्शन, उसमें से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं. यस, देयर आर सो मैनी ऑप्शन आर अवेलेबल. आपने कोई भी ऑप्शन उसमें से चूज करेंगे आप पैम्पलेट्स का, कोई भी ऑप्शन, एनी ऑप्शन यू वुड लाइक टू चूज. सपोज आई एम गोइंग टू चूज दिस ऑप्शन. यस, इट विल अपीयर हियर. ये ऑप्शन यहाँ आपको अपीयर होगा, ये अपीयर हो गया. इसके बाद आप इसमें यूज दिस टैम्पलेट. ओके, आप इस पर क्लिक करेंगे यूज दिस टैम्पलेट. यूज होने के बाद ये टैम्पलेट आपको फिर दोबारा यहाँ दिखाई देगा. And it will allow you to do the modification in that. कोई भी change आप करना चाहते हैं, नाम change करना चाहते हैं, heading change करना चाहते हैं, color combination change करना चाहते हैं, everything you can change over here. Okay? So ये आपने दिया, यहाँ देखिए ये आ गया, ये click हुआ, let it appear. अभी workout कर रहा है, इसको पूरा होने दीजिए. Yes? Now ये option आया. Option आने के बाद आपने इसको ये यहाँ पर आप अपना कर्सर लाएंगे. आप इसे कहीं मूव भी कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम. आप इसे कहीं भी ड्रैग आउट कर सकते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं. आप इसका साइज फॉन्ट बड़ा कर सकते हैं, जैसे मैंने इसको 218 कर दिया. मैं इसे और छोटा कर सकती हूँ, आई कैन गो इट वेरी स्मॉल. मैं इसका कलर चेंज कर सकती हूँ, कलर थोड़ा बड़ा करते हैं इसको, देखते हैं कैसे चेंज करेंगे इसको. सपोज आई एम कमिंग हियर, सो नाउ डू इट 56. ओके, आपने इसको ये देखिए, आप इसको ड्रैग करके छोटा विंडो से बाहर जा रहा है ये, तो आप इसे ड्रैग करके वॉट एवर यू कैन डू इट ओवर हियर. ओके, कोई भी मॉडिफिकेशन जो आप करना चाहते हैं वो इसमें आपका चेंज हो जाएगा. यहाँ से आप इसे ड्रैग करके छोटा करें, कॉमन करें, छोटा करें, सेट करें, कहीं भी जहाँ भी आप इसको सेट करना चाहते हैं, वॉट एवर वेयर एवर यू वॉन्ट टू सेट इट. ये आपको पास सारी ऑप्शन आपको मिलते हैं इसको ड्रैग आउट करने के लिए. तो ये देखिए सारा ड्रैग आउट मैंने कर दिया. अब ये नाम है, ये नाम मुझे चेंज करना है. कर्सर आप लाएँ, देखिए बैक स्पेस किया. बैक स्पेस करके आप इसमें अपना कुछ नाम डालना चाहते हैं. सपोज यू आर गोइंग टू प्रेजेंट, सो प्रेजेंटेशन, सो यू आर राइटिंग माय प्रेजेंटेशन. यू आर गोइंग टू माय प्रेजेंटेशन, ये आपने डाल दिया. उसके बाद आप इस ऑप्शन को भी आप देखें, इस ऑप्शन को भी आप ये कलर आप चाहें, यहाँ देखिए क्रॉप कलर है, इसको आप क्लिक करेंगे. क्लिक करने के बाद मैं इसको पर्पल करना चाहती हूँ, सो इट विल बिकम, मैं इस पर क्लिक करूँगी और ये पर्पल हो जाएगा. ओके, हो गया. अब दूसरा ऑप्शन है येलो, नाउ आई क्लिक इट. मैं इसको ब्लैक से भी हटाना चाहती हूँ, मैं इसको येलो करना चाहती हूँ. आई कैन डू इट रेड, सो लेट्स गो. ये रेड हो गया, ये ऑप्शन आपको चेंज करना आया. दूसरा है ये वाला ऑप्शन, यस दिस वन. ये आप देखिए इसके साथ कॉम्बिनेशन में है. अगर आप इसे हटाना चाहते हैं अलग से, सो यहाँ एक आपको ऑप्शन मिलेगा अनग्रुप. फॉलो माय कर्सर, अनग्रुप. अनग्रुप पे आप क्लिक कर दीजिए. अनग्रुप करने के बाद ये इससे अलग हो गया, इससे अलग हो गया, तो आप इसको अलग से चेंज कर सकते हैं. देर इज़ नो ऑप्शन, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसको चेंज करने में. आप इसे चेंज कर सकते हैं और शॉर्ट करिए इसको, जैसे आप इसे चेंज कर पाएँ. ब्रेकआउट करिए,
ये ऑप्शन मेरे पास देखिए इससे अलग हो गया, पहले वो उसके साथ जुड़ा हुआ था। आई डू इट अनग्रुप, क्या किया मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने इसको अनग्रुप किया और अनग्रुप करने के बाद मैं इसको चेंज कर दिया सपोज। ओके सो यहाँ मान लीजिए मैं डालती हूँ अपना नाम, डालिए आप, मैंने नाम डाला, मैंने कुछ भी डाला मैंने, और सपोज कॉलेज डाला तो मैंने कॉलेज सपोज डाल दिया JV कॉलेज CO। ओके आपने ये डाल दिया, फिर आप इसमें मान लीजिए अपना सब्जेक्ट भी डालना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे, यहाँ से आप एड सब हेडिंग वो भी आप डाल सकते हैं, ये आ गया सब हेडिंग। ओके इसको आप ट्रैक कर सकते कहीं भी ले जा सकते हैं, ये आप ट्रैक करके कहीं भी एनीवेयर यू कैन टेक इट, ऊपर नीचे कहीं भी आप ले जा सकते हैं। सपोज नाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन दिस, इसमें भी वही ऑप्शन, आप इस पर अपना सब्जेक्ट डालना चाहते हैं तो आप अपना सब्जेक्ट डाल सकते हैं, सपोज इकोनॉमिक्स, ये आपका सब्जेक्ट आ गया। अब इसको आप ऑप्शन कहाँ ले जाना चाहते हैं वो भी ऑप्शन आपके पास है, आप इसे कहीं भी ड्रैग एनीवेयर यू कैन ड्रैग इट एनीवेयर, आप इसको यहाँ ड्रैग कर सकते हैं, आप इसको नीचे लेके आ सकते हैं, आप इसको कहीं भी एनीवेयर जहाँ भी आप इसको चाहें वो आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। ओके आप इसको यहाँ ले आए, मैं यहाँ ले आए, ये कलर कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया, अब है बैकग्राउंड। ओके सो नाउ आई एम कमिंग ओवर हियर, लेट मी कम हियर, यहाँ आप देखिए आपको ऑप्शन मिल रहा है बैकग्राउंड, सो आई कम टू द बैकग्राउंड, लेट इट अपीयर। सपोज मैं ये बैकग्राउंड चेंज करना चाहती हूँ, मुझे ब्लैक नहीं चाहिए, सो आई विल क्लिक ऑन इट। एक ध्यान रखिए इसमें कुछ में फ्री है एंड फ्यू आर ऑन पेड बेसिस, सो ऑलवेज चूज द फ्री वन, सो माय प्रेजेंटेशन इज रेडी। ओके दूसरा ऑप्शन है अपलोड द पिक्चर, सपोज आई वांट टू अपलोड माय ओन पिक्चर, मेरे पास अपनी कोई पिक्चर है मुझे अपलोड, आप क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू, यू विल डू अपलोड इट, यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका कंप्यूटर का इंटरफेस खुलेगा एंड फ्रॉम वेयर यू वांट टू अपलोड इट यू विल सिंपली ओपन द इमेज एंड दैट इमेज विल कम विल अपीयर हियर। जैसे ही मैंने बहुत सारे इमेज अपीयर कर रखी हैं एंड नाउ आई वांट टू सिंपली व्हाट आई हैव टू डू सिंपली आई हैव टू ड्रैग इट एंड पुट इट ओवर हियर, यस सो माय पिक्चर इज हियर एंड नाउ माय द प्रेजेंटेशन इज रेडी, नाउ आई हैव टू डाउनलोड इट, व्हाट विल यू डू, फॉलो माय कर्सर, आप यहाँ कॉर्नर में आएंगे राइट हैंड साइड, देन यू विल फाइंड दिस प्रेजेंटेशन, देन डाउनलोड, ओपन डाउनलोड, डाउनलोड। अभी आपसे कह रहा है कि 15 पेजेस हैं, स्लाइड में 15 हैं, बट यू ओपन इट, क्लिक इट, आपने आपको दो स्लाइड चाहिए, तीन चाहिए, चार चाहिए, आई हैव ओपन इट, चूज ओनली वन स्लाइड क्योंकि मैंने एक भी वर्कआउट किया, सो डन। ओके एंड नाउ आई डाउनलोड इट, आई क्लिक द डाउनलोड, नाउ माई डाउनलोड इज रेडी, जो भी मैंने बनाया वो डाउनलोड हो जाएगा इसको। ये देखिए यहाँ आपको दिखाई दे रहा है और ये आपके लैपटॉप में या मोबाइल में कहीं भी जहाँ आप हैं वहाँ पर डाउनलोड आपके अपीयर हो जाएगा। इसी तरीके से आप पुनः फिर होम पर जाइए, होम पर बहुत 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 सारे पैम्पलेट्स अवेलेबल हैं, उन सभी पैम्पलेट्स पर आप किसी भी पैम्पलेट पर कोई भी काम कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा डिज़ाइन कहाँ से हुआ, मैंने अपने कंप्यूटर पे तो डाउनलोड कर लिया लेकिन ये सारे डिज़ाइनिंग्स मेरे यहाँ भी सेव होते हैं, जो भी डिज़ाइनिंग मैं करती हूँ ऑल माई डिज़ाइनिंग्स आर सेव्ड हियर, सो यू कैन ऑलवेज, इट विल बी ऑलवेज बी अपीयर हियर, वट एवर ऑन डिज़ाइन आपके ऑल डिज़ाइंस में सारे डिज़ाइन अपीयर हो जाते हैं। सो दैट्स ऑल हाउ आई थिंक यू विल एंजॉय टू वर्क आउट ऑन द canva.com and you can explore all the pamphlets, infographics, lesson plans, certificates, so many beautiful pamphlets are available here and you can work out on, you can make your presentation, you can make out logo, you can make a website, if you are running a website uska bana sakte hain, planner bana sakte hain, you can make out some print out also, aap apne t-shirt pe print karana chahte hain, aap instagram story bana sakte hain, You can make the Zoom backgrounds also. You can make the concept maps. So many things you can make out over here. So I think you have enjoyed to learn how to work out on the Canva. So hope you will do on this work on this Canva. Or aap enjoy karenge Canva par kaam karna. So that's all about the canva.com. It's an important e-tool for the learning on which you can work out. Thank you.